तो दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में आने वाली हैं सुप्रसिद्ध गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, जिन्होंने अवधी, हिंदी, भोजपुरी कई भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और बहुत नाम कमाया है उन्होंने। तो आज हमारे स्टूडियो में वो आएंगी और उनके गाने आपको सुनाऊंगा कि आखिर में कैसे उनके गाने होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेटअप लगभग लग गया है, कैमरा हमारा सेट हो गया है और हमने माइक भी लगा लिया है। और जो एक तरफ म्यूज़िक पर्सन जो होते हैं, जैसे कि हारमोनियम वादक जो हैं वो एक तरफ बैठेंगे और जो तबला वादक हैं वो दूसरी तरफ बैठेंगे और बीच में मैम बैठेंगी, तो ये गाना स्टार्ट होगा। तो गाना भी हम आपको सुनाएंगे, तो चलिए सुनते हैं। आप लोगों को बता दूं कि मैंने इससे पहले कभी भी मालिनी अवस्थी मैम को मैंने कभी लाइव नहीं सुना था, लेकिन पहली बार मैंने सुना, इतनी सार, इतनी मधुर वॉइस इनकी कि मन प्रसन्न हो जाए एकदम से। संगीत के क्षेत्र में रुचि लेने वाला हर एक व्यक्ति इनके मधुर गानों पर झूमने से खुद को नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये बहुत ही मजेदार था, ये सीन बहुत ही मजेदार था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सुप्रसिद्ध तबला वादक रत्नेश जी का आज बर्थडे भी है, तो मैम ने सबके साथ में उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। नमस्कार, मैं हूं मालिनी अवस्थी और अभी इस समय मैं स्वरांजलि स्टूडियो में हूं, जो हेम सिंह जी का अपना स्टूडियो है। और मैं जब भी कुछ अच्छा लखनऊ में रिकॉर्ड करती हूं तो यहीं पर आकर रिकॉर्ड करती हूं। और ये जो अभी आपने आप गाने सुन रहे थे, ये संस्कार भारती अवध क्षेत्र की ओर से कलाकारों की सहायता के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, पीढ़ पराई जाने रे नामक कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, उसमें मैं 3 रचनाएं गा रही हूं। और अवध तो भगवान राम यहाँ के प्राण हैं, हम सब के लोकमानस में हैं। तो भगवान राम के जन्म का एक बधाई सोहर, एक भगवान राम सिया का झूला, क्योंकि सावन का महीना है, और साथ ही साथ माँ शबरी का विनीत भाव, प्रेम भाव भगवान राम के प्रति, ये 3 रचनाएं आपके सामने मैं लेकर आऊंगी, तो बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा, इंतजार कीजिए। तो भैया खत्म हो चुकी है रिकॉर्डिंग, पूरी कंप्लीट हो गई है और सारा पैकअप हो चुका है। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को इसको लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के अपडेट्स लेने के लिए। थैंक यू सो मच।